नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। कांग्रेसियों पर भड़की भाजपा की महिला कार्यकर्ता, फेसबुक पर अश्लील कमेंट्स का आरोप, थाना पहुंची कराई शिकायत। संस्कारधानी जबलपुर में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मौसम की गर्मी के साथ साथ भाजपा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में भी तलखी आती जा रही है। शहर की भाजपा महिला सेल की कार्यकर्ताओं ने थाना पहुंचकर कांग्रेसियों पर फेसबुक पर अश्लील कमेंट्स करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनावी सभाओं से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं नेताओं के विवादित बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में BJP IT सेल ने कांग्रेस समर्थकों के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दरअसल BJP IT सेल की महिलाओं ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जबलपुर के सांसद प्रत्याशी राकेश सिंह के खिलाफ नितिन रजक, नीरज वंशकार, सीटू और अमर नामदेव नामक युवकों ने कमेंट बॉक्स में गालियां लिखकर अभद्रता की और उन्हें धमकी भी दी गई। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। पीड़िता ये कहने का रखा, उनका कहना है कि मेरे को फेसबुक पे जो है वो गंदे कमेंट्स किए, जैसे नितिन रखवार वगैरह और उनके साथी हुए, तो उसी का आवेदन लेके और कुछ उन्होंने उसके जो कमेंट्स किए उसकी कॉपी भी लेके आई, तो इस पर जो भी विधिवत अपराध बनता है वो कायम करवाएंगे और उसकी योजना की जाएगी। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल ब्योहारी से। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी को लेकर आज दिनांक 14/4/2019 को युवा कांग्रेस विधानसभा महेंद्र सिंह अमित के अध्यक्षता बैठक हुई। इसी बीच मुख्य अतिथि AICC सदस्य श्री संजय महाराज जी, श्री प्रधान जी तथा क्षेत्र से आए कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल कांग्रेस राबेंद्र सिंह बैस महंत, अभिषेक तिवारी प्रदेश अध्यक्ष इंडियन सोशल मीडिया फोर्स, पुष्पेंद्र पटेल, नागेंद्र पांडेय, शिव कुमार तिवारी, शिवम केशरवानी, प्रीति वर्मा, रवि सिंह ठाकुर, संजय गुप्ता, उत्कर्ष द्विवेदी, कुलभूषण पटेल, मुन्नालाल मौर्य, पुष्पेंद्र बैस, मगेंद्र सिंह परिहार सहित कई युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए शाहडोल से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 1998 में मैं कॉलेज से टीचिंग हुआ करता था। 2001 में मैं जिला अध्यक्ष हुआ था। 2005 में फिर चला गया, झारखंड विसा का प्रभारी हुआ। मेरे साथ बहुत से सम्मानित लीडर भी थे जो AICC में है और इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता भी है। राजवी का नाम सुने होंगे, राजवी नायक हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। सांसद राकेश सिंह का प्रचार वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार। चुनाव के दौरान प्रचार करने वाले वाहन तथा लगने वाले पोस्टर बैनरों पर प्रशासन की सतर्क नजर बनी हुई है। अंधमुख बधिर बाईपास चौराहे के निकट FST की शिकायत पर पुलिस ने सांसद राकेश सिंह के प्रचार रथ को पकड़कर जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि FST के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई कि एक छोटा हाथी भाजपा का अनैतिक रूप से प्रचार कर रहा है, जिस पर तत्काल अंधमुख बाईपास के समीप दबिश देकर प्रचार वाहन क्रमांक MP20LA8316 को रोका गया। इसमें चारों तरफ भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के फ्लेक्स लगे थे। पुलिस ने वाहन मालिक रंजीत रैकवार से प्रचार वाहन की अनुमति संबंधी पत्र मांगा तो उसने एक अनुमति पत्र दिखाया, लेकिन वह दूसरे वाहन का था। पुलिस ने अनुमति पत्र नहीं मिलने पर वाहन को जब्त कर लिया। मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित
कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। दौरान आज सुबह करीब 10 बजे वाहन क्रमांक 20L 83-06 को रोका गया, जिससे जिसमें जो लगे फ्लैक्स वगैरह की अनुमति एवं साउंड बॉक्स की अनुमति मांगी गई, जो अनुमति नहीं होना बताया तथा दूसरी गाड़ी की अनुमति पेश किया, जिसकी तस्दीक की गई। जो यह गाड़ी का मिलान नहीं खाने से इसको थाने लाए गए। वैधानिक कार्रवाई के लिए मेरे अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र बना के दिया गया है। थाना प्रभारी महोदय के नाम पर कार्रवाई करने हुई। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सहायक निरीक्षक अनुप शर्मा। गाड़ी कहाँ से गिरफ्तार? अन्नमुख चौराहा। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से। दमोह तेंदुखेड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई अंबेडकर जयंती। रविवार को तेंदुखेड़ा नगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैन धर्मशाला में एकत्रित होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैन धर्मशाला में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं मिठाइयां वितरित की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी नेता एवं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद तिलक अहिरवार ने कहा कि बाबा साहेब गरीबों एवं दलितों के मसीहा थे। उन्होंने निष्ठा के साथ दलितों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया। अंबेडकर ने पिछड़ों और दलितों को सामाजिक व आर्थिक दर्जा दिलाया और उनके अधिकारों की संविधान में जगह दिलाई। बाबा साहेब ने अपने कार्यों की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। वहीं विधायक प्रतिनिधियों कांग्रेस पार्टी के नेता मदद नामदेव ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, बच्चों को भी शिक्षा देनी है। सभी लोग योग्यता क्षमता बढ़ाएं। हम जिन कठिनाइयों को झेले हैं प्रयास करें कि हमारे बच्चों को उठाना ना पड़े। हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा। अपनी बात समाप्त करते हुए एक कविता पेश की। उन्होंने कहा कि ऐसा मत बनो कि तुमसे मिले दुखी हो जाए, पारस बनो ताकि मुझसे मिलकर पत्थर सोना हो जाए। इस दौरान जबेरा विधानसभा कांग्रेस प्रवक्ता दीपक कटारे, मदद नामदेव प्रहलाद यादव, ओमकार मिश्रा, कपिल गोटिया, अनिल भैया, गोपाल दुबे, राजकुमार लोधी, आशीष यादव, पवन यादव, तिलक अहिरवार, भागीरथ अहिरवार एवं समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए दमोह तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।